तो मैं चाहता हूं कि आज आप जो इकट्ठे हुए हैं सारे, एक तो सदफ अ वेरी वेरी गुड जर्नलिस्ट जो आज हमें नहीं है, अल्लाह उनकी मकफ़रत फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र दे, और आई फील फॉर देम बिकॉज आई थिंक वी मेट जब प्रोड्यूसर एसोसिएशन का ओथ देके सेवन थी वहाँ मुलाकात हुई थी. एनी वे आर कंडोलेंसेस. कमिंग बैक टू द फिल्म, असल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस दफा बड़ी होने से पहले ही बट गई है. तो आई एम नॉट दैट पिकी अबाउट रोल्स. आई थिंक द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर पिकी टू कास्ट पीपल आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन से निकल के बेहतर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और बेहतर काम होगा. और आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आज आप ज़रार के लिए आए और ज़रार आपकी फिल्म है, क्योंकि आपने जितने मेरे लाहौर के जितने साथी हैं उनसे मेरा एक रिश्ता है, प्यार है. ज़िंदगी का बहुत सफ़र हमने इकट्ठे तय किया. तो ज़रार जितनी कैमरे पे बन रही थी, मेरे ख्याल में ठाकुर साहब आपके साथ भी उतनी बन रही थी. तो आई थिंक दैट रिलेशनशिप मैटर्स मोर. और आज मैं बड़ी देर बाद मुझे अपनी टीम से दोबारा मिलने का मौका मिला है और हम लोग वी आर रियली हैविंग फन. अभी पीछे बैठ के हम बातें कर रहे थे, नैयर साहब हमारे बड़े हैं और इनसे हमें बहुत सीखने का मौका मिलता है. हर वो काम जो ये जिंदगी में करते हैं हम उससे सीखते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं. बड़े अच्छे माशाल्लाह हमारे अदनान से है, किरण द ब्यूटिफुल किरण. बिकॉज मेरे ख्याल में हर फिल्म में एक एनर्जी, एक जो एनर्जी होती है वो किरण की है. सो आई थिंक जो एक व्हेन यू रिलैक्स, जब दो बंदे लड़ रहे होते हैं तो जब उनका सीन खत्म होता है तो व्हेन किरण कम्स आई थिंक इट्स एक्चुअली यू नो यू गेट दैट रिलीफ. और नॉट जस्ट दैट, मेरे लिए जब मैं ये फिल्म लिख रहा था सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड कैरेक्टर्स फ्रॉम लाइफ. जिंदगी के शोभों से किरदार ढूंढ रहा था. सो जब मैंने किरण को कहा कि आपने एक जर्नलिस्ट का किरदार अदा करना है, सो आई वाज सरप्राइज टू फाइंड आउट कि जितनी रिसर्च इन्होंने की उसके ऊपर, द कैरेक्टर के ऊपर, एक जर्नलिस्ट को ढूंढने में, कौन से जर्नलिस्ट को ढूंढने में, उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, वो ही आपको खुद बताएंगे. लेकिन आई वुड पर्सनली थैंक अवैस एजाज भाई, बिकॉज जो भी विजन था, जो भी पाकिस्तान से प्यार था है, लिखने में, लिखने की हद तक तो हम कॉलम भी लिख सकते हैं और बहुत सी जगहों पे उसको चला भी सकते हैं, लेकिन एक फिल्म बनाने में बहुत से लोगों का हाथ होता है. फाइनेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन, कैमरा वर्क, एक्टर्स, टीम, तो ये सारे जितने लोग थे ये उस एक इश्क में मुब्तला थे जिसका नाम था पाकिस्तान. सो आई थिंक दिस जर्नी वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी और आई होप कि दिस फिल्म का जो मैसेज है, टिकट सेल्स एंड एवरीथिंग एल्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्शन, बट मेरा एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर ये फीलिंग है कि दिस मैसेज जो एक यजगती का, एक होने का मैसेज है पाकिस्तानी अवाम को रियलाइज करने का कि क्या क्या थ्रेट्स पाकिस्तान फेस कर रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. सो मेरे ख्याल में उसकी रियलाइजेशन जो थी वो बहुत जरूरी थी एज ए स्क्रिप्ट राइटर. सो एज ए स्क्रिप्ट राइटर आई फील के इसका मैसेज आवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है. थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू सो वेरी मच. इफ यू डोंट माइंड सर इजाज, आई वांट टू हैव वन थिंग फ्रॉम योर साइड. यू नो देर इज सो मच कमर्शियलिज्म गोइंग ऑन, देर इज अ काइंड ऑफ अ ग्लैमर सेक्युलर सिस्टम गोइंग ऑन. So in this commercial area, why you think this kind of content was needed? क्या जरूरत थी ज़रार को बनाने की जब मार्केट इतनी कमर्शियल चल रही थी तो? जी अस्सलाम वालेकुम, I hope all of you are fine. ज़रूरत तो हमेशा रहती है और fortunately अगर आप हमारी फैमिली की बैकग्राउंड में चले जाएं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है पेट्रियटिज्म की. माई फादर, माई मदर एंड द होल फ्रटर्निटी जो फिल्म की है जिससे हम रिलेटेड हैं, जो चीज़ें हमने बड़े होते हुए अपने घर में जो डिस्कशन सुनी है, जो स्क्रिप्ट सुने हैं, वो कोई भी कमर्शल एज सच कोई गुफ्तगू भी नहीं सुनी. सब पाकिस्तान के बारे में थी, सब मुसलमानों के बारे में थी. चाहे हमें किसी बात पे डांट भी पड़ रही है या कोई लाइफ लेसन मिल रहा है तो वो ह्यूमैनिटी पे था.
और एक्चुअल फिल्म मेकिंग जो है जो हमें घर से सबक मिला है वो इट्स फॉर द सोशल इश्यूज ऑफ वेयर एवर यू आर, उसको हाईलाइट करना, सोशल इश्यूज को हाईलाइट करना फिल्म के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फिल्म और मीडिया जिससे बहुत जल्दी आप जो भी सफरिंग में है उसको रीच कर सकते हैं. सो द मेन पर्पज वॉज वी डोंट नो एनीथिंग एल्स बट टू मेक फिल्म लाइक दिस. और इजाज़त फिल्म बार बार डिले हुई है कोविड की सिचुएशन की वजह से, बाकी सिचुएशन की वजह से, हाउ यू मैनेज ऑल दैट? एक बात इजाज़ भाई की जो आपने बात की थी, जरूरी नहीं होता कि जब तक स्क्रिप्ट आप